नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सूचना न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। नालंदा जिले के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 19 करोड़ 29 लाख रुपए के नव निर्मित नेचर सफारी 8 सीटर रोपवे का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राजगीर एक पर्यटन स्थल है और इसे विकसित किया जाना जरूरी था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल होने के नाते यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ग्लास ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, जिपलाइनिंग, कैफेटेरिया, बाज टावर, रॉक क्लाइंबिंग, अर्चारी रेंज, हिल्स एडवेंचर पार्क, नेचर बॉल रेसलिंग, वुडन ब्रिज, चिल्ड्रन पार्क, ध्यान केंद्र, रोप साइकिलिंग और कई आकर्षक के केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में निर्माण कार्य हो रहे जू सफारी फ्लाईओवर का भी जायजा लिया। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए स्टार सूचना न्यूज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद है। आज आप जान रहे हैं कि नेचर सफारी का आज उद्घाटन हो गया और नेचर सफारी का जो निर्माण किया गया है, तो इसकी कहानी आप सब लोगों को मालूम होगा कि जब यहाँ पर जू सफारी के बारे में हम लोगों के मन में विचार आया कि नए सिरे से हम लोग जू सफारी का निर्माण कराएंगे और जू सफारी में 5 प्रकार के जानवर रहेंगे और जानवर खुलेआम घूमता है और जो लोग देखने जाते हैं, जू सफारी की ही खासियत है, उनको कोई ना कोई व्हीकल पर, बंद व्हीकल पर उनको जा करके बैठ करके देखना पड़ता है और जो भी वहाँ पर जानवर रहेगा वो खुलेआम उसका पूरा का पूरा इलाका रहता है और उसको देखने के लिए जाते हैं। तो ये कंसेप्ट था और उसके हिसाब से काम निर्माण कार्य शुरू हो गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए स्टार सूचना न्यूज के साथ। नमस्कार।